नमस्कार, न्यूज लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी में कल से नहीं खुलेंगे जिला अदालतें, 27 अप्रैल तक बंद रहेंगी जिला अदालतें। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी किया। 20 अप्रैल से कोर्ट खोलने के आदेश पर अब रोक लगा दी गई है और इसकी जो समय सीमा है वो 27 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मुख्य अदालतें जो हैं वो 27 अप्रैल को खुलेंगी और 20 अप्रैल को नहीं खोली जाएंगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जिला अदालतों को खोलने की जो डेट थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है और अब इसे 27 अप्रैल कर दिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिनव पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, ये बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर जिला अदालतों को खोलने का जो तारीख जो 20 अप्रैल निर्धारित की गई थी उस पर अब रोक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि 27 अप्रैल को इन अदालतों को खोला जाएगा। क्या अपडेट है अभिनव जी? देखिए बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि पहले कल जिला अदालतों को खोला जाना था, इसके अलावा हाईकोर्ट को कल खोला जाना था, चाहे वो लखनऊ की बेंच हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट को हो। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर से इसको जो है अभी खारिज कर दिया है। 27 अप्रैल तक अब कोर्ट में कोर्ट का काम जो है वो दोबारा शुरू होगा। 27 अप्रैल डेट दी गई है जिसको कि रजिस्ट्रार जनरल ने ये बाकायदे इसको आज जो है इसकी घोषणा की है, जारी किया है, एक लेटर जारी किया है और साफ तौर से कहा है कि जितने भी जिला अदालत है या फिर कोर्ट है, हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट है, ये सारी जो है वो 27 अप्रैल तक जो है बंद रहेगी। 27 अप्रैल के बाद इसको खोला जाएगा। कारण इसका साफ तौर से ये भी दर्शाया गया है ताकि चूंकि बहुत ही ऐसी जगह है जहां पर कि कोरोना के जो पीड़ित हैं वो अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है संख्या, चाहे वो लखनऊ को ले लीजिए, फिर नोएडा गाजियाबाद ले लीजिए या अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि इसकी जो है रोकथाम अभी भी उतनी, बनारस हो गई, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर कि कोरोना के जो पीड़ित मरीज हैं वो भी लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में जो है कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, चूंकि जिला अदालत जो खोली जाती है वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन जो है बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा कामों से नहीं होगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे, चूंकि बहुत जिनके भी मामले कोर्ट में संज्ञान में पीड़ित बचे हुए हैं, जिनके जिनकी तारीखें लगी हुई हैं, ये तमाम ऐसे मसले हैं। इसी के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने बाकायदे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर इस लेटर को जारी किया और साफ तौर से कहा है। इसके बाद 27 अप्रैल को जो अदालतों को खोलने की डेट को जारी किया गया है, जब 27 अप्रैल को अदालतें खोली जाएंगी तो क्या कुछ नियमों के अंतर्गत इस पर काम होगा? क्या तमाम एहतियात जो हैं तब भी बढ़ते जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन की बात हो या केस कितने लिए जाएंगे, क्या इस पर भी कुछ नियम निकल कर सामने आए हैं कि क्या कुछ नियम लागू किए जाएंगे अदालतों को खोलने के बाद? नहीं देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि 27 को जब कोर्ट खोला जाएगा, जब उसके बाद जो है कई ऐसे है, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे प्रमुख है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कई ऐसे नियम है जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में भी कई ऐसे नियम है जो जिसका पालन किया, चूंकि 3 मई तक अगर आप देखिए तो लॉकडाउन का पीरियड है जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, लॉकडाउन पूरा 3 मई तक चलेगा। ऐसी सूरत में जो है अब 27 अप्रैल को जब कोर्ट खोलेगी और उसके बाद 2 दिन बाद सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि इसके बाद जो है क्या कुछ नियम रहेंगे इस पर जरूर विचार करेगा। हालांकि फिलहाल 27 अप्रैल तक जो है कोर्ट बंद रहने के आदेश दिए गए। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अभिनव जी आपका।